नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में पूजा तो करते हैं ना आप, और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो जरूरी है, आपको पता होगा। तो जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है, या फिर उसमें घी और अधजली बाती बची रह जाती है? और कहीं आपकी दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और तो और, दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपके जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती ही नहीं जलाते हैं? और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? आखिर कितने सालों से उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कहीं आपकी भी तो आदत नहीं हर थोड़े दिनों बाद दीपक को बदल देने की? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर ये गलतियां आपने कर दी तो इनके परिणाम आपको भुगतने ही होते हैं। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका जीत साधना पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, और हो सके तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, ताकि वो भी श्रीमन नारायण की कृपा प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जला छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे खुद व खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारा दीपक पूरा जल जाता है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, और वही हमारी पूजा से प्रसन्न है, और इसका संकेत वह बाती में बनी इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं, और कभी कभी तो साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले जली हुई बाती की राख या फिर रुई और क्लौंच है और आपने अपनी बाती उसी में रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं, और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपके तिजोरी का धन खर्च होने लगता है, और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वही हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक में पूजा करते हैं आप उसको कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक को रोजाना भगवान के सामने जलता है तो धीरे धीरे वक्त के साथ वो सिद्ध हो जाता है, भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है, और जब भी आप वो दीपक जलाते हैं आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाए। आप जितनी बार भी दीपक जलाए उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार बाती चलाए,
लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। तो गुरुदेव का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपने पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंके बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि ये भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वही अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपकी बातें पूरी नहीं जलती, आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है? तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में जलाया दीपक को पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेंगे और ये बीमारी कभी भी आपका पीछे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे की या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें, तो ये ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में घी ना बचे, क्योंकि ये आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बात की पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो ये आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। और जो बुरी शक्तियां होती है वो ये कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में दैवीय शक्तियां का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन्हें बुरी शक्तियों और ऊर्जा को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो ये बुरी शक्तियां हमेशा इसी कोशिश में रहेंगी कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं, और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक को बार बार बुझ जाता है या फिर हमारी दीपक की बाती ही पूरी नहीं जलती। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है, और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यही प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियां से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगाजल से एक गोल घेरा बना लें और इसे गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगाजल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगाजल को मिला हुआ है। तो गंगाजल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता और गंगाजल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगाजल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को विघ्न नहीं डालने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे।
और दैवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको गुरु जी के बताए हुए जो उपाय आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, आपके लिए शुभ फलदायी होंगे और भगवान हर संकट से आपकी रक्षा जरूर करेंगे। तो अगर आपको गुरु जी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट में जय श्री मन नारायण, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।